और गांव के ये मज़े जो ताज़ी आबो हवा ताज़े यानी कि मंज़र होता है मिस करूँगा बहुत ज़्यादा। लेकिन व्लॉग्स की सूरत में ये कैद हो रहे हैं मेरे चैनल पे। भले मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा लेकिन यार बहुत सी मेरी 1-1.5 साल की यादें हैं ना वो जमा हो रही हैं इस व्लॉग की सूरत में मेरे चैनल पे। तो बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे चैनल को जल्द से जल्द ग्रो करें। यार आप लोग जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को शेयर करा करो। और माशाल्लाह ये जो आम निकल बार चाची तेन तो अज कडा बार तो दोस्तों यार हम व्लॉग बना रहे थे तो बच्चे जो हमसे मिलने आए थे ना यार इनको व्लॉग में ले लो क्योंकि बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे। किस किस व्लॉग में आना हाँ सारे आ गए हाँ सारे आ गए। चाचू सलीम की व्लॉग ही यार तेरा मुंडा भी तो बनाना ही। अल्लाह ताला की रहमत का रंग बदल अपने आज के मजेदार व्लॉग का करते हैं गलत। तो भाई जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो। घंटी तो बता के आपके भाई की हर आने लेटेस्ट वीडियो आपको बरक मौसूल हो सके। तो अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ अपने आज के मदरसा व्लॉग का कर लेता है गाइस। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हो गया है इंट्रो शेंट्रो तो दोस्तों उसके अलावा भाई यार मैंने अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या बोला मैं डर गई मैं यहीं पे खड़ी थी डर गई। तो उसके अलावा अभी आपका भाई क्या कर रहा था यार आपका भाई की सुबह तो काफ़ी देर से हुई है लेकिन आपके भाई बैटरी के साथ लगे हुए थे यहाँ पे थी चूंटियाँ इस टाइप की लगी हुई तो आपके भाई ने लगा दिया टर्मिनल के साथ ऐसे क्लिप। तो अब चूंटी वाला सिस्टम खत्म खुला डुला हो गया काम। तो उसके अलावा एक और काम भी करना है वो भी आपको बाद में बताते हैं लेकिन आज आपके भाई ने प्लेट्स भी अच्छी तरीके से साफ करी हैं सर्फ वाले पानी से नीचे लिए और ऊपर वाली सर्फ वाले पानी से धोया करो वी आई पी काम होता है। तो सब लोग गायब हैं घर से भी भाई मेरा सुबह था मोबाइल लगा हुआ था चार्जिंग को चार्ज कर लिया था माल भी माशाल्लाह खड़ा भी है पानी पी के जाएगा अंदर इनको क्योंकि लग रही थी कि गर्मी अभी गर्मी लग नहीं रही अभी दोनों देखो बहनें लड़ रही है दोनों सिस्टर्स हैं और ये उस बड़ी अली का बेटा है वो सामने खड़ा है ताक रहा है सबको ये देखो ये खड़ा छाँव में खड़ा खामोशी से और ये देखो ये इधर खड़ी ताक रही है। तो भाइयों अभी एक और काम भी है वो बाद में बताता हूँ अभी वहाँ पर हो रहा है रश। तो उसके अलावा यार घर में कोई नहीं है बाबा जी गए हैं मेहराबपुर अपने सिस्टर से मिलने के लिए उनकी तबीयत नहीं थी उनके हस्बैंड की तो वहाँ मिलने गए मैं और सब लोग गए हैं मोबाइल चार्जिंग पे लगाने मेरा तो चार्ज होकर आ गया अहमद भाईजान लगाने गए मैं बाजियों के मोबाइल चार्ज करने के लिए कोई मोबाइल चार्ज करना था। तो अभी क्या करना अब कुछ नहीं करते ज़्यादा ज़्यादा अब जितनी भी आज की मज़ेदार छुट्टी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आँखें खुलती नहीं है यार धूप की वजह से तो बोला मत करो आँखें बंद रखते हो वो सूरज की वजह से नहीं आँखें खुलती। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपनी आँखें ऐसे खोल के रखूँ। तो अपने ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट और जैसे रूटीन होगी आपके साथ शेयर करते हैं। 2000 years later तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को टाइम मिल गया व्लॉग बनाने का तो काम कर रहे थे वो हमारा काम मुकम्मल हो गया तो इधर उसी में पूरा दिन निकल गया और जुमे का टाइम होने वाला। हाँ आज तो जुम्मा तो आप सबको मिल गया मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक माशाल्लाह गाँव में आज हम करेंगे अदा जुम्मा। तो उसके अलावा क्या काम कर रहे थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों उसके अलावा यार आज आपके भाई की बहुत फख्र की बात है पूछो क्यों आज आपके भाई के सब्सक्राइबर आपसे मिलने आए थे मुझसे मिलने आए थे जब ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि अपना काम में मशरूफ था। तो इंशाल्लाह शाम को अगर मिले वो बोलते शाम को आएंगे आपसे मिलने अगर चाहे तो ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगा। तो ये रहा काम था जो कि हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो भाई साहब ये देखो यहाँ पे गोल लगाई है ये फूल गई इसको छोड़ दो छेड़ा तो गले में पड़ जाएगा ऐसे ही सही है टपक नहीं रहा था पानी। तो जैसा भी है वेरी गुड है माशाल्लाह यार टैंकियों में से नहीं हुआ था तो जो हमारी टैंकियाँ थी ना उनकी लाइनों में पानी कम आ रहा था इसी वजह से हमने ये प्रेशर मारा प्रेशर लगी लाइनों से साफ और फिर टॉफी वॉफी मिली है और बाहर बांध रहा था लड़का उसको लेकर ब्लॉग में बनाया। अच्छा ठीक है भाई और हाँ ये भी आजकल ब्लॉग में बना रहा है अहमद विलेज ब्लॉग जैसी खुदे की तस्वीर बनी हुई है तो जाके देखिएगा। तो अब जा रहे हैं मस्जिद नमाज जुम्मा अदा करने के लिए जल्दी जल्दी जाते हैं मस्जिद नमाज जुम्मा अदा करते हैं और फिर नमाज जुम्मा के बाद बाकी की बातें कर लेते हैं। और आज हाँ ईद का तीसरा दिन है तो ईद का तीसरा दिन हमारा कैसा जाएगा वो भी अपने शेयर करते हैं। अच्छा जा रहे हैं मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए माशाल्लाह सामने है हमारे गांव के मस्जिद और खुतबा बहुत तेज चल रहा है कि मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही तो चलते हैं नमाज जुम्मा अदा करते हैं। A few moments later.
दोस्तों भाई फजल करम के साथ यारो हम पढ़ के आगे थे नमाज जुमा दिन अभी बना रहे हैं व्लॉग। और ये कौन सा सेलिब्रिटी है भाई, खाना शाना खिलाओ, अकेले अकेले खा खा के जा रहे हो। फैजान भाई आप शाबाश, थैंक यू सो मच, आपने हमारे को दो जान दे दिया। मजेदार मजेदार। तो दोस्तों यार कल हम पार्टी नहीं कर पाए थे, आज पार्टी करेंगे। आज हम घर में बनाएंगे चिकन बिरयानी, वो भी देसी चिकन बिरयानी। तो भाईजान अहमद भाई क्या कर रहे हो, ये अहमद भाई क्या कर रहे हो, अहमद भाई क्या कर रहे हो, ये ओए ये क्या चीज़ है भाई, ये जाके देख रहे हो ना। हाँ हाँ बहुत बड़ी चीज़ है ये, ओए है दो तीन किलो का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो भाई इसको लेकर तो बस आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। तो जल्दी जल्दी जो इसके साथ करना है वो करके आते हैं और फिर आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। A few moments later. तो भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह काम कर लिया है हमने अपना। अहमद भाईजान के हाथ में ये रही सब्जी, मेरे हाथ में है मुर्गा। तो भाई मुर्गा हमने क्यों कटवाया, आप लोग बोलोगे यार आपने ऐसे कटवा दिया मुर्गा क्यों कटवाया। भाई हमने इस वजह से कटवाया तो उसकी एज हो रही थी ज़्यादा, और दूसरा फिर हम यूँ लड़ाते उड़ाते ही मुर्गा हमने घर के लिए पाला हुआ, तो मैं घर का खाने के लिए पाला था मुर्गा, तो बस जबा करा दिया उसको। ओए 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 तो माशाल्लाह मुर्गा हो गया ज़िबा। तो अब शाम को बनेगा मुर्गा, यानी कि आधा आज बनेगा और आधा कल बनेगा। तो उसको घर पे लेके चलते हैं और इंशाल्लाह बाकी बातें घर पे करते हैं। और माशाल्लाह ये देखो मिट्ठू है, बड़ी बातें करता है अंकल ने ना बचपन से पाला, बिल्कुल छोटा था मिट्ठू जब से पाला हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह मिट्ठू 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 देखो कितनी बातें ज़्यादा कर रहा है। तो यारो भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आ गए थे जैसा कि बताया था सामान लेकर, अभी मुर्गा शुरगा घर पे जाना है, घर पे खुद ही तैयार करना है। आज हम करेंगे कुकिंग, बनाएंगे देसी मुर्ग बिरयानी, आधा मुर्गा डालेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यार मैं सोचा खेतों की सैर कराई जाए, यार गाँव आया मैं तो खेतों की सैर को निकला, क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता है कि गंदम की चल रही है कटाइयाँ, तो हमारी भी गंदम अभी कट के रखी हुई है, भूसा नहीं निकला यानी कि छानी नहीं गई है, छाटने वाली रहती है। तो माशाल्लाह तीन तीन लोग मेरे साथ आए तो आज आपको खेतों की सैर कराएंगे। तो दोस्तों ये देखो ये तुड़ी की बंद लगी हुई है, ब्लॉग पता नहीं वीडियो मेरी कैसे पहुंच सकी मुझे पता ही नहीं चला। तो ये तुड़ी की बंद लगी हुई है, परसों यहाँ पर हुई है थ्रेशर लगी हुई थी और तुड़ी की हुई है छटाई, तो अच्छी बात है यार कि थ्रेशर यहाँ पे नहीं लगी, वरना आपका भाई यार इतना गोरा चिट्टा नूर से भरसा हुआ भाई पूरा मीठी में माठी हो जाता। लेकिन आसमान में आज बहुत ही खूबसूरत हो रहा, सनसेट हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हो, और माशाल्लाह खुश यूँ माहौल है। और जल्दी जल्दी हमने यहाँ से व्लॉग बनाना है और खिसकना है, क्योंकि भाई रात हो जाएगी और जिसके अटैक घर में काम भी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह गंदम की देखो कितने प्यारी लगती है जब ये ऐसे बना के बॉल टाइप रख देते हैं, तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब चलते हैं आगे और मज़े लेते हैं। तो भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई आ चुका है अपनी फसलों में, यानी कि जो हमारी अपनी घर की जाती फसल है उनमें। और देखो कहाँ पर है, ये माशाल्लाह देख लिया, ये हमारी गंदम बांध के रखी हुई है और ये बाइक पे पता तो ये अहमद भाई पंजाबी में ब्लॉग बना रहे हैं, इनका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके भाई को मेरे सपोर्ट करो जितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा है लड़का तो सपोर्ट जरूर भी करनी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी गंदम बांध के रखी हुई है, सुभान अल्लाह देखें ये बस मेखा से लगने वाली है, एक दो या तीन दिन में ना थ्रेशर लगेगी और ये गंदम हमारी सारी की सारी निकल जाएगी। अब देखते हैं भाई कल हम रहते हैं कि नहीं यार, कल तो थ्रेशर मेखा से लगेगी या नहीं लगेगी अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन हमारा भी कुछ पक्का नहीं कि हम कल रहेंगे या नहीं, क्योंकि कल शायद हम हैदराबाद वापसी चले जाएं। और गांव के ये मज़े जो ताज़ी आबो हवा ताज़ी यानी कि मंज़र होता है मिस करूँगा बहुत ज़्यादा, लेकिन व्लॉग्स की सूरत में ये कैद हो रहे हैं मेरे चैनल पर। भले मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा लेकिन यार बहुत सी मेरी एक डेढ़ साल की यादें हैं ना वो जमा हो रही हैं इस व्लॉग की सूरत में मेरे चैनल पर। तो बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे चैनल को जल्द से जल्द ग्रो करें। यार आप लोग जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को शेयर करा करो। और माशाल्लाह ये जो आम का दरख्त देख रहे हैं ना, ये भी हमारे घर का जाती दरख्त है, इस पर भी हमारे आम ही लगते हैं, हमारा ही आम लगता है इसके ऊपर। तो पहले होते थे काफ़ी ज़्यादा हमारे आम के दरख्त ख़त्म कर दिए, क्योंकि यार आपको पता है कि आम के दरख्त जब खेतों में लगे हुए तो झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं आपस में, तो इस वजह से यार हमारे ये दरख्त मेरे चाचू ने सारे ख़त्म करवा दिए, काट वाट दिए, और इस पर अभी तक भूर नहीं लगा है जिसके ऊपर फल लगता है। वो यार वो सब फूल नहीं लगा क्या अभी तक, वो लगा हुआ माशाल्लाह येरा फूल, यार क्यों नहीं लगा हुआ, फूल तो लगा हुआ इसके ऊपर, केरी अभी तक नहीं लगी, केरी लगने का टाइम है। और हाँ बिलाल भाई भी हमारे साथ आए, तो बिलाल भाई हेलो बोल दो, हेलो हेलो। तो माशाल्लाह ये गंदम थी हमारी और सौंफ भी है भाई हमारी लगाई है, सौंफ का पता है सौंफ कहाँ पर लगी हुई चाकू भी पता, लेकिन ये थी हमारी गंदम। तो फसलें दिखा दी है तो चलते घर को जल्दी जल्दी, उस घर पे जाके भी कार्रवाइयाँ सर अंजाम देनी है यार आज बनेगा, तो बता चुका हूँ बार बार बताऊँगा आप भी, यार बार बार एक चीज़ रिपीट करता रहता है।
तो बोल बोल के ना आपके भाई को सांस चढ़ जाता है, तो ये सांस चढ़ता है ना सांस के वास्ते, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने तो कुछ भी नहीं जाता, या थोड़ा सा सपोर्ट आ जाता और ये पता चल जाता कि आपके भाई को सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं। तो अब चलते हैं घर पे और इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में करते हैं। तो दोस्तों यार हम व्लॉग बना रहे थे, तो बच्चे जो हमसे मिलने आए थे ना यार, इनको व्लॉग में ले लो, कोई बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे। किस किस व्लॉग में आना, किस किस व्लॉग में आना, सारे आ गए। तो दोस्तों भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आ गए, तो जैसा कि आपको पता फैंस मिले थे तो बनाए हैं भाई उनका व्लॉग। कैसे लगे भाई, लाइफ में फर्स्ट टाइम हमारे को सब्सक्राइबर मिलने, थैंक यू। मिलने नहीं आए थे, हमारे गाँव में रहते, मुझे खुद नहीं पता था कि वो मेरे सब्सक्राइबर सुबह आए थे। मैंने अभी भी व्लॉग में देखिए कितने सारे बच्चे थे क्यूट से। हाँ वही यारों के घर पे आ गए थे, इस वजह से व्लॉग नहीं बनाया। तो भाइयों यारों इसके अंदर है देसी मुर्गी की यखनी तैयार हो रही है, क्योंकि भाई पहले यखनी बनेगी यानी मुर्गा साफ गलेंगे तो चावलों के अंदर जाएंगे ना। तो मुर्गा साफ गल रहे हैं, तब तक गलते हैं तो हम करते हैं सबर और लाइटें जलाते हैं। मगरिब का टाइम हो रहा है, तो फिर जब मुर्गा साफ गल जाएंगे तो फिर बाकी के जो इन्ग्रीडियंट्स है वो बनाना शुरू करेंगे। भाई बनाएंगे तो मेरी अम्मा खा रहे हैं, मेरे को तो बनाने नहीं देंगे चूल्हे पर, क्योंकि इन्होंने पता है मेरे को माओ की आदत होती है बीच में ज़रूर आना होता है। तो चाचू जी हेलो चाचू हमारे व्लॉग में कभी नहीं आएगा, भाग जाए देखते साथ ही गायब हो जाता है, देखो गायब होकर नज़र नहीं आ रहे। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह यखनी तैयार हो गई है, वो हमने इसके अंदर निकाल ली और अब हो रही है बुनाई का टाइम, यानी कि जब जिसके जिस मरले में हम जो गोश्त होता उसको भुना जाता है, मसाला तैयार करके फिर पानी डाल के और फिर राइस डाले जाते हैं। तो उस मरले पे स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह, प्याज हाजिर हो चुके हैं आयल के अंदर और नीचे माशाल्लाह आग भी आपके भाई ने फुल जला दी है। इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी लगाई है, देखना बचेगी यानी थोड़ी सी बचेगी बस। और माशाल्लाह यहाँ पे प्याज की भुनाई शुरू हो गई है और हमारी प्यारी मम्मा जान ये काम कर रही है, हमें तो हाथ लगाने नहीं देंगी वरना मैं करूँगा तो ऐसे। नहीं मम्मा मैं यहाँ पे सही हूँ, अच्छा हूँ, व्लॉग का बना रहा हूँ, आप करो मैं यहीं पे खड़ा अच्छा हूँ। अच्छा तो दोस्तों माशाल्लाह अब गोश्त को डाल लिया है हमने हांडी में, क्योंकि इसकी हो गया भुनाई रख के VIP वाले से खचा खच भुनाई होनी है। और मेरे चाचू पीछे बैठे बातें कर रही है, इनका कैमरा लेके जाता हूँ, रुको एक मिनट। तो माशाल्लाह ये जी यखनी और यहाँ पे हो रही है गोश्त की भुनाई, और अभी डालेगा बिरयानी मसाला जो कि मेरी मामा जी डालेंगी। एक मिनट चाचू से ज़रा मिली तो एक बात का सीन दिखाता हूँ। ओ चाचू सलीम, ए चाचू ओ चाचू चाचू की है व्लॉग ही यार, तेरा मुंडा भी तो बनाना ही की हो गया जन आ गया जन अच्छू 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 चाचू हुक्का भी ना दस मिनट ओए ओए वो बाबा ज्यादा आ गया, ओ बाबा छू ने बुलाओ, ओ बाबा फूफू ने बुलाओ, छू ओए निकल बाहर चाची, तेनु तो अज कडांगा बाहर, ओए अज तो ओए देख बाबा आ गए बड़े जन चाचू बुढ़ी है कि मूछ पाने अब चलते हैं हम अपनी बिरयानी के पास और देखते हैं उसका क्या बना। अच्छा तो दोस्तों भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह अब देख सकते हो कि चावल भाई बस तैयार होने वाले और खिले खिले चावल, अभी दिल चाह रहा है कि अभी निकाल के खा जाऊं। माशाल्लाह मम्मा आई हैं और हिला रही हैं, और माशाल्लाह मैंने क्या बोलते लकड़ी देखा यहाँ पर थी और जलती 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 कहाँ पर तक पहुँची, और अभी भी ये कम हो जाएगी जलते जलते, तो बस अब दम लग जाएगा और जब हम इसको फूटेंगे ना तब दोबारा ब्लॉग बनाएंगे, और जब ऐसे उठेगा ना ढक्कन और जो खुशबू उठेगी
फिर तुम्हारी भूख अरूज पे हो जाएगी। तो अभी तो अरूज पे है, फिर और मजीद अरूज पे हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी से अब दम शम लगाते और देन फिर इंतज़ार करते हुए अभी 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि दम भी 15 मिनट का लग जाता है तकरीबन 10-12 मिनट का। तो अब इंतज़ार करो आप भी और मैं भी। A few moments later. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे बाबा साईं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारी खाला जान इसको हिलाते हुए, ओए होए होए, शश के तरह चेक करो, अरे जबान पूरी मिल जो पानी से भर गई है रे बाबू। जल्दी जल्दी अब प्लेट में है और फेट में जाए और जल्दी टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा बनना है रे बाबू। तो दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे सामने आ चुका है देसी मुर्ग बिरयानी, यम यम यम। तो आलू शालू भी है साथ में, बोटी छोटी भी है, तो बोटी ये ली और साथ में ले ली चावल थोड़े से खस्ता खस्ता चावल। ओए होए होए सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ब्लेजर ने पहले मारन दे इधर दस बना स्वादी मुर्ग बिरयानी, देसी मुर्ग बिरयानी। तो जल्दी जल्दी से यार गर्मा गर्म बिरयानी बन जाए करता है। A few moments later. तो दोस्तों भाई वाला अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाना खा लिए, तो देन गए थे वॉक करने, बाहर वॉक करके आए तो आके फ्रेश हुए, इनके मुँह हाथ धोया, पैर हाथ मुँह धोए और आके बिस्तर पर लेट गए और नींद पूछो ना गजब की नींद आ रही। और अब आपका भाई सोने लगा है, तो मैंने कहा व्लॉग तो एंड किया, व्लॉग को एंड कर लिया यार। आज का व्लॉग अगर चाहे आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जो रोज़ बोलना पड़ता है नींद में मेरे को, सब्सक्राइब भी कर लेना, घंटी भी दबा लेना, ताकि आपके भाई की हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो बर मौसू हो सके आप तक। तो आज के लिए ही मिलेंगे सो नए टॉपिक के ब्लॉग के साथ, सो लेट्स टेक केयर, बाय टाटा, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो समझ गए ना, जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे ही होगा, जल्दी जाओ।